इस संस्करण में आपको एक ब्रह्मांड के गहरे रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूँ, जो पूरी तरह से आपके जीवन को बदल सकता है और जो सीधे आप और इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को आपको समझना होगा। जिसे आप मैं कहते हैं, वो पांच तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि आप खुद और आपका शरीर। ये पांच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर आप इन पांचों तत्व को सही बैलेंस में बनाकर रखते हो तो जीवन में खुशहाली संपन्नता होगी। आप हर उस आयाम को पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। सब कुछ आपके पांचों तत्वों से ही है। अगर आप इन पांच तत्वों को ठीक करना सीख लेते हैं तो आप अपने शरीर पर, यहाँ तक कि अपने मन पर काबू रख सकते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। आपके शरीर का 70% हिस्सा जल है। अगर ये जल मीठा हो जाए तो आप इस दुनिया के शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान होंगे। इसके बाद पृथ्वी है, जो 12% हमारे शरीर में विद्यमान है। अगर आप पृथ्वी को बैलेंस कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 6% हवा है, जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। 90% हो चुका है। अब अग्नि, जो हमारे शरीर में 4% है। आप अग्नि को न बदले तो अच्छा है, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण आकाश, ये 6% है। लेकिन ये 6% सब कुछ है। आकाशीय तत्व को पांचवा तत्व कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तत्व ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी 4 तत्व इसी के साथ मिलकर काम करते हैं। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि आकाशीय बुद्धिमता कोई चीज होती है, मतलब आकाश तत्व में भी एक बुद्धि है, मस्तिष्क है। अब ये आकाशीय बुद्धिमता आपके फायदे के लिए कैसे काम करेगी, सुनिए। आप एक धन्य इंसान होंगे या जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे, ये आपकी आकाशीय बुद्धिमता पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी कारण के खुश रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती अपने जीवन को निर्वाह करने में, जबकि कुछ लोग बिना किसी कारण के पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। वो अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते पूरे जीवन। ये सब बेवजह नहीं है। अगर आप जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं तो आपने सचेतन मन से या अनजाने में आकाशीय बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त कर लिया है। आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है और ये एक ही धुरी पर घूम रही है, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे यूनिवर्स को आकाश ने थाम रखा है, सारी पृथ्वी को आकाश ने थाम रखा है। आप बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसे? इसलिए नहीं कि आपके पास बैठने का स्थान है, नहीं, आप अपने स्थान पर इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि आपको आकाश ने थाम रखा है। आकाश ने ही पृथ्वी को थाम रखा है। ये आकाश ही है जिसने आकाश गंगा और सौर मंडल को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है, और बिना किसी रस्सी और तार के। अब इस आकाश को आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, या अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को वैभवशाली और सफल बना सकें? यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सरल प्रक्रिया है जिससे आप आकाश के तत्व से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको इतना करना है कि सूर्योदय के 1 घंटे बाद आकाश की ओर देखें और हाथ जोड़कर आपको आकाश देव को नमन करना है। नमन करते हुए बोलना है कि हे आकाश देव, आपका धन्यवाद मुझे थामने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मैं आपको नमन करता हूँ। ऐसा दिन में 3 बार करना है, 1 सुबह सूर्योदय के 1 घंटे बाद, उसके बाद 12 से 2 बजे के बीच, और आखिरी सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो चुका हो। बस आपको आकाश की तरफ देखकर नमन करना है सचेतन मन से। आप ये लगातार करिए। अगर आपका तरीका सही है तो आपका जीवन एक नाटकीय तरीके से बदलने लगेगा। आपको हर दिशा से एक सहयोग प्राप्त होने लगेगा, जिससे आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। ये प्रक्रिया एक जादू की तरह काम करती है। भले ही आप किसी भी धर्म के हों, ये प्रक्रिया आपका साथ जरूर देगी। आपने कभी गौर किया होगा, जब आपने कभी भी कुछ अपनी पसंद का पाया होगा तो आपने खुशी में एक बार ऊपर जरूर देखा होगा। ये स्वाभाविक है, सभी करते हैं, लेकिन कुछ सचेत होकर और कुछ असचेत होकर, बस अंतर इतना ही है। इसी प्रक्रिया से आप अपने भीतर के 5 तत्व को ठीक कर सकते हैं। अगर ये 5 तत्व को आपने ठीक कर लिया तो जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अगली वीडियो 5 तत्वों के मंत्रों के साथ होगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।